एक दूजे के वास्ते है। क्या बच्चों ने? जी, एक कॉलेज का स्टूडेंट भी इन्वॉल्व्ड है। अच्छा ठीक है, ओके। लक्ष्मण राम प्रसाद कॉलेज के छात्रों के बीच हुआ झगड़ा। बताया जा रहा है कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब वहां गोलियां चलने की भी खबरें आ रही हैं। छात्रों के दो गुटों के बीच हुए इस मुठभेड़ में एक इतनी रात में टीवी में आकर पिस्तौल निकाली है ना, और फिर पिस्तौल हाँ। निकालकर लोगों को डराना। पता नहीं हो क्या गया आजकल के बच्चों को, खुद पर काबू ही नहीं है, कह रहे हैं जरा सी बात पर फायरिंग शुरू कर दी। क्या? हाँ खैर छोड़ो, कल की तैयारी हो गई सब, पैकिंग वगैरह? ऑलमोस्ट। सो गई? सो गई। सुमन ठीक तो है ना? हो जाएगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो भी ये बात समझ जाएगी। अंजलि तुम जानती हो मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और ऐसा बर्ताव कभी किया भी नहीं है मैंने, लेकिन ये कोई उम्र नहीं है उसकी इन सब में उलझने की। नहीं अभी बहुत कुछ करना है उसको, मुझसे ज्यादा काबिलियत है उसमें। बचपन से ही उसका सपना रहा है कि वो एक आर्मी ऑफिसर बनकर आपका सर ऊंचा करे, और देखिएगा एक दिन ऐसा जरूर होगा, हमारी बेटी एक दिन हमें बहुत प्राउड फील कराएगी। मुझे उसी दिन का इंतजार है अंजलि। कल खुद जाऊंगा एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। हम जाएंगे। सही कहा अंजलि। ये ले दही चीनी खा ले। माता रानी तेरे जीवन के इस नए सफर को भी ना ऐसे ही मीठा मीठा रखे। श्रवण ये मेरे और चाचा जी की तरफ से। थैंक यू चाची। चलो भाई जल्दी करो, 5 मिनट में सब निकलेंगे। मुझे आप नाश्ता तो कर लीजिए। जी मन नहीं है। श्रवण सामान रख दिया? हाँ भाई सब सारा सामान रख दिया मैंने गाड़ी में। अरे बंटी कहाँ है? पापा अब वो बंटी को कुछ ना जरूरी काम था तो वो चला गया इसलिए। कमाल का दोस्त है यार, वैसे तो यहाँ दिन रात चिपका रहता है तेरे साथ, और आज जब तू इतनी दूर जा रहा है तो तुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आएगा। चलो तुम लोग सब, हम लोग बस नाश्ता और चाय पी के आते हैं। मैं चाय भिजवाऊं। लेट मत होना बंटी, अब सब तेरे हाथ में है यार। सुमन तू ठीक है? पापा साथ आ रहे हैं कंचा, उनके होते हुए श्रवण के साथ प्लान कैसे पूरा होगा यार? ये एक्शन लेने का टाइम है सुमन, डरने का नहीं। हमेशा पापा ने रास्ता दिखाया है, लेकिन इस बार मुझे उनको समझाना होगा कि श्रवण बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है, और जो मैं उसके लिए फील करती हूँ ना वो कभी नहीं बदलेगा। ये ले गरम गरम है, खा लेना। चाची मुझे पता है मुझे, पर ये तेरी चाची के हाथ का सुमन स्पेशल सैंडविच है, इसे खाने के लिए भूख की जरूरत थोड़ी होती है ना? चाची आप अपना और बेबी का ध्यान रखना, और बेबी के आने तक किचन में काम कम हो के। अपना ख्याल रखना बेटा। पुणे इतना भी दूर नहीं है बिना, आती जाती रहेगी क्यों बेटा? अंजलि आ जाए पापा, पर पापा मैं एयरपोर्ट से चला जाऊंगा कंटोनमेंट के लिए। अच्छा अच्छा सोचेगी तो सब अच्छा ही होगा, इतनी टेंशन मत ले ओके। मेरे आने तक मेरे रोज प्लान का ध्यान रखना। आ गई अंजलि। आप आइए।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अपडेट है, कॉलेज में जो फायरिंग हुई थी उसमें स्टूडेंट्स नहीं बल्कि किसी नए टेररिस्ट ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है। फॉरन रिपोर्ट करना है सर। ओके ठीक है, मैं पहुंचता हूँ अभी। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ? पापा मुझे जरा कंटोनमेंट के लिए निकलना होगा अभी। वो जो कॉलेज में फायरिंग की खबर आ रही थी, अभी पता चला है कि उसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप था। ओ, तो मुझे निकलना होगा। हम लोग रुक जाते हैं ना, अब सुमन बाद में चली जाएगी। नहीं नहीं, आप लोग जाओ ना। रमेश जी भैया, तुम लेके जाओ, मुझे जरा कंटोनमेंट जाना है जरूरी काम से। जाओ जी भैया। अचानक क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ। सॉरी सुमन बेटा, तुम तो समझती हो कि एक सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। जी पापा, इट्स ओके। हमेशा प्यार से गले लगकर गर्व से सैल्यूट करके भेजने वाली सुमन आज मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही। इतनी नाराजगी अपने पापा से। थैंक गॉड पापा जा रहे हैं, अब हमारा प्लान पूरा करना पहले से थोड़ा आसान हो जाएगा। खूब मन लगा के पढ़ना बेटा, जल्दी फोन पे बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। रमेश तो इतनी दूर अमेरिका क्यों जा रहे? शबन विदेश ही जाना सीते, कहीं आसपास चले जाता, कैसे रहूंगी मैं तेरे बिना है? मम्मा आप चाहते हो ना मैं हमेशा खुश रहूं, तो खुश खुश होके भेजो ना, ऐसे रोके नहीं। और फोन पे तो बात होगी ना अपनी? तेरे पापा हमेशा तेरा भला ही करेंगे, और तूने भी बहुत अच्छा किया जो उनकी बात मान ली। जिंदगी बहुत बड़ी है सुमन, कई मोड़ आएंगे, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है ना। अच्छा जाने दे, लेकिन इसी में तेरी भलाई है सुमन। सॉरी सुमन बेटा, तुम तो समझती हो कि एक सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। जी पापा, इट्स ओके। हेलो कैडेट, पुणे पहुंचकर जब तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा तभी ईमेल पढ़ पाओगी तुम, और शायद फिर भी तुम्हें मेरी बात ठीक ना लगे, लेकिन अपने पापा पर भरोसा रखना बेटा, और मेरे नजरिए को समझने की कोशिश करना। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझसे नाराज होकर नजरें नहीं चुराओगी, बल्कि हमेशा की तरह दौड़ती हुई आकर अपने पापा के गले लग जाओगी। आई लव यू माई फेवरेट कैंडिडेट। Thank you.
बचपन से फौजियों वाला रहन सहन। बिना सिखाए सब कुछ सीख गई। मॉर्निंग सर। ओके राइट सर, मैं अभी निकलता हूं सर फॉरन। जय हिंद सर। यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी, यहाँ क्या है? वो थोड़ा सा सामान चाहिए था दादू। अच्छा पूना से ले रहे ना, अभी देखो फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो एक्चुअली मैं अपनी स्केचिंग और पेंटिंग की सारी चीजें यहीं से लेती हूँ, पुणे में पता नहीं कहाँ से मिलेगा, जल्दी ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से और जल्दी से वापस आ जाना। ओके जी। थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर ये हमारे लिए जरूरी है। आई प्रॉमिस जल्दी वापस आऊंगी। इतनी देर लगा रहा है ये लड़का। जी खरीद लेने दो जो चाहिए उसको। अब जो सामान इत्थे मिलता है वो अमेरिका विच थोड़ा ना मिलेगा। मैंने उसकी लिस्ट देखी है बड़ी अच्छी तरह से, वहां सब मिलता है। पता नहीं क्या जिद है, इसी दुकान से लेनी है। ओहो जी, अपनी जिद छोड़ के आपकी बात मान के जा रहे ना इतनी दूर हैं? अब आप भी थोड़ा सबर करो। हमें बताइए कुछ चाहिए तो हम निकाल देते। भैया मुझे ये जी बोलिए कुछ चाहिए आप लोग को? आप दोनों साथ में हैं क्या? ये जो जो इसमें लिखा है सब चाहिए। अब आप लोग गलत आ गए हैं, इन सब में तो कोई भी सामान नहीं। कॉलेज में स्थिति अब भी बहुत गंभीर बताई जा रही है। पहले जहां एक या दो आतंकवादियों के होने की संभावना थी, अब वहां एक दर्जन से ज्यादा आतंकवादी आधुनिक असल्ट राइफल के साथ पूरे कॉलेज को चारों तरफ से घेरकर खड़े हुए हैं। सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई देने के लिए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विजय तिवारी अपनी टीम के साथ वहां मौजूद है। अब चलिए ठीक है, जय हिंद। कुछ पता चला पापा? अब बता रहे हैं फिर से फायरिंग हुई है, पर चिंता नहीं करो, मुझे विजय उसकी टीम पे पूरा भरोसा है, वो सब संभाल लेंगे। सुमन कहाँ रह गई? कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा दिया उसने दुकान में? इतनी देर लगाएगी तो फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। फ्लाइट मिस करवा के ही मानेगा ये लड़का, बहुत गैर जिम्मेदार है। अरे भाई साहब लंबी लिस्ट है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आए होंगे किसी काम से, हमें क्या लेना देना इनसे। मैं लेकर आता हूँ श्रवण को। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है पापा? ये देवराज की फैमिली है यहाँ पर, और देवराज भी उसी दुकान में गया है जहाँ सुमन गई है। मैं देखकर आता हूँ सुमन कहाँ रह गई है। अरे यार कहाँ रह गया, हम यहाँ चल दिया यार। जल्दी आना, जल्दी पहचानते। ये कौन है?
अरे मोन तो मैं सब समझा दूं। अच्छा बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। जो मोंटू है भरोसा कर सकते हो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। है थोड़ी नर्वस लग रही हूँ, डर रही हूँ। तुम्हें देखकर सारा डर भाग गया। सुमो तुम कभी कुछ गलत नहीं करती, एक बात सच बताओगी क्या? हम ये सब सही तो कर रहे हैं ना? नहीं अभी के लिए शायद गलत है, पर ये हमारी लाइफ का सवाल है श्रवण, और यही एक तरीका है जिससे दोनों फैमिलीज हमारे प्यार को समझेंगी। हाय, नजर ना लग जाए हमारे प्यारे पंछियों को, उड़ने के लिए तैयार। अबे वो पागल पंछी, तू ना आगे देखो, गाड़ी चलवा, चल। देख रही है मियां, चल मोंटू गाड़ी निकाल। भाई साहब 5 मिनट पहले एक लड़का यहाँ आया था, उसने जैकेट पहना हुआ था, मेरी हाइट का ही था, शॉपिंग करने आया था, आपने उसे देखा है? वो मेरी पोती आई थी यहाँ कुछ स्केच और ड्राइंग का सामान लेने के लिए। एक लड़की आई तो थी, उसने ये लिस्ट दी थी। अरे ये तो मेरे बेटे की लिस्ट है। तो हो सकता है जो साथ में लड़का था वो आपका बेटा ही होगा, उन्होंने हमें लिस्ट थमाई और यहाँ से निकल गए। दोनों साथ में निकल गए? मतलब कहाँ निकल गए? मैं तो तब से बाहर ही हूँ, गए कहाँ? सुन लो शायद बैकडोर से निकल गए हो। क्या पिलाने मिया? यार बंटी देख, प्लान तो बस इतना है कि अभी 2-3 दिन घर नहीं जाएंगे, ताकि हमारे घर वाले हमारी बात समझ सके, हम दोनों को यूएस और पुणे भेजने की जिद छोड़ सकें। बस प्लान तो यही है यार। पर इतना टाइम हम रहेंगे कहाँ श्रवण? हम इंदौर जाएंगे मेरे मौसाजी के पास। मतलब तुमने उन्हें सब बता दिया? नहीं एक्चुअली वहीं जाकर बताऊंगा, तुमने चिंता मत करो, वो मौसाजी कम और मेरे दोस्त ज्यादा हैं। बस एक वही ऐसे इंसान है जो हमारी बात समझेंगे और शायद हमारे पेरेंट्स को भी समझा दें। अंजलि इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हमें समय नहीं बर्बाद करना है, अपने बच्चे को वापस लाना है जल्दी। मैं जाके कंप्लेंट करूंगा श्रवण के खिलाफ। क्या मतलब है आपका, कंप्लेंट करेंगे आप श्रवण के खिलाफ? उसी ने फुसलाया है हमारी बेटी को। हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि जो छोटे बड़ों को धोखा दे। संस्कार है, दिमाग नहीं है आपकी पोती के पास, किसी की भी बातों में आ जाती है। दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं। तुम्हारे आवारा बेटे ने जबरदस्ती की होगी उसके साथ। हाँ मेरा बेटा आकर जबरदस्ती ले गया उसे आपकी गाड़ी से, है ना? मुझे प्लीज प्लीज बैठ जाए, बस जगराज भाई साहब आप ही बैठ जाए, ये वक्त लड़ने का नहीं है, जल्दी से जल्दी हमें अपने बच्चों को ढूंढना है। जी कुछ भी करो, मेरे पुत्र को जल्दी से वापस ले के आओ। कैसे होगी मेरी सुमन? भाभी घबराइए मत, दोनों साथ में ठीक होंगे और देखना जल्दी ही लौट आएंगे। खुद ही लौटना होता तो भागते क्यों? मैं छोड़ूंगा नहीं शर्वन को। घुमा फिरा कर आप बात मेरे बेटे पर क्यों ले आते हैं ब्रिगेडियर साहब? भाई साहब ये लोग भी हमारी तरह परेशान है, बेहतर यही होगा कि हम आराम से बात करके इसका हल निकालें। देवराज जी हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, बच्चे हैं ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। रमेश जल्दी टीवी ऑन करो। लक्ष्मण रामप्रसाद कॉलेज में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी कई शिक्षक और छात्र अंदर फंसे हुए हैं। 18 आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ अभी भी जारी है। सेना की तरफ से कर्नल विजय तिवारी ऑपरेशन लीड कर रहे हैं। अंदर से लगातार गोलियों की आवाज आने से आसपास के माहौल में दहशत है। भाभी संभालो, भाभी भाभी सब ठीक है, भाभी घबराओ। क्या करो रमेश, मेरी बेटी नहीं है घर पर, मेरे पति मिशन पर है, दोनों की जान बचती है एक दूसरे में और इस बात का एक दूसरे को पता भी नहीं है।
अंजलि जी आप चिंता ना कीजिए, हम सब मिलके माता रानी के आगे हाथ जोड़ेंगे ना, सब ठीक हो जाना है। बच्चों की फिक्र आप मत कीजिए, किसी भी हाल में मैं उन्हें घर ले आऊंगा। आप बस यहां संभाल लिए। चल बट यार बंटी। हाँ? एक प्रॉब्लम है भाई। बोलो ना। मुझे पता चला कि मूसा जी ना उज्जैन गए हैं और वो कल तक वापस आएंगे, तो हम भी कल ही वहां जा सकते हैं यार। तो यार कहीं रहने का जुगाड़ करवा देना तब तक। चल मंटू, गाड़ी मेरे घर पर मोड़ लियो। कैसे बंटी, घर पे तो तुम्हारे पेरेंट्स? अरे वो तो भाभी जी, हमारा मतलब सुमन, वो तो पिछले हफ्ते ही चले गए और वो कुछ दिन बाद लौटेंगे, तो तुम टेंशन मत लियो। है थैंक्स भाई, बचा लिया यार तुमने। ऐसे हर बात पर थैंक्स बोलती रहोगे ना मियां, तो पुराने सब चुपते करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल सेफ हैं और जैसा हमने सोचा है ना बिल्कुल वैसा होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.